हाँ तो साथियों नमस्कार, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूँ राज क्लासेस में। तो साथियों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं मैसेज लेकर आया हूँ। आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा हमारे वीडियोज को जल्दी देखिए साथियों, क्योंकि है क्या अभी अभी मैसेज बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से है, वो भी क्लास टेंथ और ट्वेल्थ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आया है। कौन स्टूडेंट के लिए है, किस स्टूडेंट के लिए, सभी के बारे में बात होते रहेगा साथियों। अगर जिस चैनल पर नहीं है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए साथियों हम लोग बात करते हैं क्या है। बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के बीच बिहार के छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। जो बिहार सरकार है, नीतीश सरकार और आनंद किशोर जी, वो बिहार के सभी छात्रों के लिए, जो छात्र फेल कर गए हैं उनके लिए एक बड़ा फैसला आया है निकलकर। बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में वैसे छात्र जो एक दो विषय में फेल हो गए थे, यानी बिहार बोर्ड के जो परीक्षा हुई थी क्लास टेंथ और ट्वेल्थ में, जिनमें साथियों जितने स्टूडेंट फेल कर गए थे उन्हीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। उन्हें बिहार बोर्ड परीक्षा समिति उन छात्रों को पास करने का फैसला ले लिया है। फैसला हो गया चुका है कि जितने भी स्टूडेंट फेल किए गए हैं सभी को पास कर दिया जाएगा। साथियों सभी चीज़ के बारे में बताऊँगा, हमारे साथ पूरा बने रहिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट और पूरी एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। क्या बोले हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से मिले दिशा निर्देश के बाद बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के इन पर मुहर लगा दी गई है, यानी इस पर मुहर लगा दिया गया है। क्या है आगे की सभी बात को हम लोग देखेंगे। छात्रों को पास किए जाने से संबंधित जो आदेश जारी किया गया है उनके मुताबिक ऐसे छात्र जो एक या दो विषय में थोड़ा कम नंबर से यानी बहुत ही कम नंबर से वो फेल हो गए थे, उन्हें कंपार्टमेंटल की परीक्षा में आवेदन किया, यानी उन्होंने जो फेल किए थे वो कंपार्टमेंटल की परीक्षा में आवेदन करना चाहते थे या किए थे, उन्हीं के लिए ये चीज़ है। उन छात्रों को बिहार बोर्ड ने पास करने का फैसला ले लिया। बिहार बोर्ड द्वारा तय किया गया है कि अतिरिक्त अंक देकर ऐसे सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के कुछ ऑफिशियल निर्देश दिया गया है, सभी को मैं आपको पढ़कर पूरा से पूरा मैं सुनाने वाला हूँ। बिहार परीक्षा समिति पटना के द्वारा श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार ने आज दिनांक 6/8/2020 यानी आज ही के दिनांक 6/8/2020 को बताया गया है कि बिहार परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक के वार्षिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित वैसे विद्यार्थी जो एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए हैं, यानी कंपार्टमेंटल परीक्षा 2020 में शामिल होने के लिए पात्र थे। यानी जो छात्र एक या दो विषय में कम नंबर आया थे यानी वो फेल हो गए थे और वो कंपार्टमेंटल की परीक्षा में शामिल होने के पात्र थे, उन्हें कोविड-19 महामारी के चलते अत्यंत विषम परिस्थिति के मद्देनज़र इस बार लागू किया गया है। एक अपवाद में है कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र रखते हुए इन सभी छात्रों को पास कर दिया गया है, जो एक अपवाद के रूप में उन्होंने माना है कि अंतर्गत कुछ अतिरिक्त अंकों को ग्रेस देकर उत्तीर्ण करने का प्रस्ताव भेजा गया था जिन पर शिक्षा विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई है। ये सब पर मुहर लगाकर भेजा गया था, जिनके द्वारा शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है कि हाँ ये चीज़ सही है, सबको हमें सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट है, इस संबंध में उन्हें बताया कि पूर्व के वर्षों के भांति इस इंटरमीडिएट की परीक्षा 2020 में एक या दो विषय के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को कंपार्टमेंटल में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है, लेकिन इन विद्यार्थियों की कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अत्यंत विषम एवं कठिन परिस्थितियों के चलते आगामी 2-3 माह के अंदर कराया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। यानी जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम है आगामी, यानी आगे 2-3 महीने बाद यह परीक्षा का पूरा कराना, परीक्षा खत्म कराना संभव नहीं माना जा रहा था, इसलिए उन्होंने ये बड़े फैसला लिया है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, यहाँ भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कोविड-19 के महामारी के कारण उत्पन्न अत्यंत विषम एवं कठिनाई परिस्थितियों के बीच यदि अगले 2-3 माह के बाद कंपार्टमेंटल का परीक्षा आयोजन किया भी जाता तो परीक्षा फल का प्रकाशन नवंबर या दिसंबर माह तक ही हो सकता था। यानी इनका कहना है, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष इन सब का कहना है कि अगर ये 2-3 महीने बाद अगर जो कंपार्टमेंटल की परीक्षा ली जाती तो उसका रिजल्ट निकलते निकलते नवंबर दिसंबर मार्च तक हो सकता था, जिससे संबंधित विद्यार्थियों की इन वर्ष की कंपार्टमेंटल परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कोई लाभ नहीं होता। जो छात्र इन वर्ष कंपार्टमेंटल परीक्षा में भाग लेते उनको कोई लाभ नहीं होता। इसी के मद्देनजर रखते हुए उन सभी छात्रों को पास कर दिया गया है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैसेज आपके लिए, बहुत खुशखबरी का है मेरे साथियों। ठीक है, आगे ऐसी परिस्थिति में कोविड-19 महामारी के कारण कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजन नहीं कर पाने में कंपार्टमेंटल परीक्षा
में शामिल होने की पात्रता विद्यार्थियों के भविष्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी। अगर जो कंपार्टमेंटल में शामिल हो जाते तो उनको एक वर्ष बर्बाद हो जाता, इसी कारण उन्होंने ये चीज़ को बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। चार नंबर पॉइंट है, अतः उपयुक्त कारणों को आलोक में तथा छात्र हित ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक परीक्षा 2020 में एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण वैसे विद्यार्थी जो मैट्रिक एवं इंटर एवं मैट्रिक परीक्षा 2020 में शामिल हो सकते थे, जो एक बार एक के अपवाद स्वरूप यानी वन टाइम एक्सेप्शनल के रूप में कुछ अतिरिक्त ग्रेस अंक देकर उत्तीर्ण करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेज दिया गया था। उन्होंने यहाँ इस पर क्या कहते हैं, सहमति प्रदान कर दी है। पांच नंबर पॉइंट है, इसी क्रम में माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार द्वारा आज मैट्रिक एवं इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने के लिए पात्र विद्यार्थियों से अतिरिक्त अंक का ग्रेस पाकर पाकर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की सूची जारी की गई है, जो समिति की वेबसाइट ऑनलाइन vscv.in पर उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर श्री आर के महाजन अपर मुख्य सचिव विभाग शिक्षा विभाग के श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की उपस्थिति थी, यानी इन सभी को यहाँ पे उपस्थिति थी, तो सभी के बारे में ये सबको बात किया गया था। साथियों छः नंबर पॉइंट बोल रहे हैं क्या है, इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक की परीक्षा में संबंधित परीक्षार्थियों को एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण रहते हुए इंटर मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होते। इस प्रकार वर्ष 2020 में इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 46,005 विद्यार्थियों एक विषय में तथा 86,481 विद्यार्थी दो विषय में अनुत्तीर्ण थे, अर्थात दोनों को मिलाकर कुल विद्यार्थी 132,486 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण थे, जो इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र थे। इसी तरह वर्ष 2020 में मैट्रिक की परीक्षा में कुल 108,459 विद्यार्थी एक विषय में तथा 99,668 विद्यार्थी दो विषय में अनुत्तीर्ण थे, यानी इतने विद्यार्थी एक विषय में और इतने विद्यार्थी दो विषय में अनुत्तीर्ण थे, अर्थात तो दोनों को मिलाकर कुल 200,000 यानी सबको मिलाकर 208,147 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण थे जो मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र थे, यानी उन्हें मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या थे, तो पात्र थे। अगला बात है सात नंबर पॉइंट यहाँ पे आता है हमारे पास, क्या है, माननीय मंत्री द्वारा आज सूची में इंटर में कुल 132,486 विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण थे तथा कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल हो सकते थे, उनमें 72,610 विद्यार्थी अतिरिक्त ग्रेस के पाकर उत्तीर्ण हुए, कुल 54.81%। इसी प्रकार मैट्रिक में कुल 208,000 इतने विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण थे, कंपार्टमेंटल परीक्षा हो सकते थे, उनमें कुल इतने विद्यार्थियों को ग्रेस में अवतीर्ण होकर 68.60% है, इतने विद्यार्थियों को उन्होंने उत्तीर्ण यहाँ पे किए हैं। आठ नंबर पॉइंट यहाँ पे है, इस अवसर पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ने बताया कि निर्णय विद्यार्थियों के हित में लिया गया है, क्योंकि समिति द्वारा आयोजित कंपार्टमेंटल परीक्षा में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं वे सत्र में नामांकन ले सकते हैं। इस तरह राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय के हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, कोरोना महामारी में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण उनका एक वर्ष खराब नहीं होगा। यानी ये कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी एक विषय में या किसी दो विषय में फेल हो गए थे, उनको एक ग्रेस मार्किंग करके उन्हें पास उत्तीर्ण कर दिया गया है, जिससे उन्हें एक साल उनका बर्बाद न हो सके, वे अगले सत्र में नामांकन कर सकते हैं। और जो दो या दो से अधिक विषय में जो छात्र फेल हो चुके हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है। साथियों अगला नंबर पॉइंट आता है, नौ नंबर पॉइंट क्या है, और नौ नंबर पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 का रिजल्ट देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड की रिजल्ट को जारी किया था, वो भी क्लास टेंथ की रिजल्ट को इंटरमीडिएट का 24 मार्च 2020 को प्रकाशित किया गया था, जो समिति के इतिहास में एक फास्टर रिजल्ट है, यानी एक फास्टेस्ट रिजल्ट है समिति के इतिहास में, यानी बिहार बोर्ड के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट है, जो 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन होने के बावजूद भी, कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद भी परीक्षा फल को क्या किया गया, पूरा परिणाम को घोषित किया गया। इसके पश्चात समिति द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2020 का रिजल्ट कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के बीच 26 मई 2020 को जारी किया गया। समिति द्वारा जारी इस रिजल्ट के आदेश में सबसे पहले जारी हुआ था साथियों। ये सभी नौ पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह मैसेज है। तो आप सबको लिए बहुत ही खुशखबरी बिहार बोर्ड ने लेकर आया है साथियों,
बहुत ही खुशखबरी है, वीडियो को दो बार तीन बार पूरा करके समझिए, आपको पूरा समझ में आने वाला है। डिक्लेयर किया गया है यहाँ के आनंद किशोर के द्वारा और उसके शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों के द्वारा, ये पूरा पूर्ण रूप से डिक्लेयर किया गया है कि जो विद्यार्थी एक या दो विषय में फेल है उनको पास कर दिया गया है, पूर्ण रूप से पास कर दिया गया है। क्योंकि पास करने के कारण, क्योंकि कंपार्टमेंटल का एग्जाम अगर से होता तो दो तीन महीने लग जाते कंपार्टमेंटल की एग्जाम लेने में और उसके रिजल्ट आने में नवंबर दिसंबर तक हो सकता था, जो एक साल उनका बर्बाद हो जाता, यानी कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने में उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं होती, ऐसा बोर्ड के द्वारा माना जा रहा था। और इस पर मुहर लगकर पास हुए कि जितने भी छात्र एक और दो विषय में फेल किए हैं सभी को पास कर दिया गया है ग्रेस मार्किंग के द्वारा, और दो या तीन विषय में जो छात्र फेल है वो फेल ही रहेंगे, वे नेक्स्ट टर्म अपना भविष्य को आजमाएंगे, अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करेंगे साथियों। तो ठीक है साथियों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो बिहार बोर्ड से संबंधित आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।